1800 का है, ठीक है, इसको ऑर्डर करना है, खरीद दीजिएगा, खरीद दीजिएगा, नहीं ₹4। ऑर्डर हो गया, सीओडी है, ठीक है, आएगा तो खरीद दीजिएगा, बोलिए ना, पक्का खरीद दीजिए, चलिए इसको ऑर्डर हम कर दे रहे हैं। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, ये ऑरेंज वाला या पीच वाला? मैं ब्लू वाला अच्छा लगता ब्लू, ब्लू नहीं लेना है, है, ऑरेंज। ऑरेंज ले लेना, ऑरेंज ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, ऑरेंज और गोल्डन का कॉम्बिनेशन। डन, पैसे तुम दे देना आपको बोल रहे हैं खरीदने के लिए। यार, तुम्हारे वॉलेट से तो पैसा कभी खत्म होता नहीं। नहीं, आप खरीदिएगा, नहीं तो कैंसिल होगा। हमेशा मेरे वॉलेट से पैसा तो खर्च कराते हो, वो तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो गलत। कभी खुद भी कर लिया करो खर्चा। शादी कर लिया तो इसका मतलब थोड़ा है ना कि हमेशा मैं एक ही अच्छा, बकरा हलाल हूँ। पिन कोड डालिए इसमें, ठीक है, बाय, प्रणाम। 14 जुलाई को आएगा, इतना लंबा। चलिए तीज में पहनेंगे ना इसको। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मॉर्निंग में मैंने ये दो पार्सल रिसीव किया है। वैसे तो मेरे यहाँ डेली कुछ ना कुछ पार्सल आते ही रहता है स्पॉन्सर वीडियो के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा हटके था तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि आप लोगों को दिखाऊँ। और ये आया है मैबलिन की तरफ से, तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या मिला है। एक्चुअली मैबलिन ने कुछ नया लॉन्च किया है, मतलब ये नए पैकेजिंग में, प्रोडक्ट तो पुराना ही है, तो वही मेरे पास भी आया है रिव्यू के लिए। तो ये सब लिपस्टिक है और इसमें फाउंडेशन है। जैसे क्या होता है ना कि मैबलिन का अगर हम लिपस्टिक ख़रीदते हैं तो 300-400 से ऊपर का ही आता है, लेकिन ये सब 99 का है, तो अब आप 99 में भी मैबलिन का प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। तो ये सब रिव्यू के लिए आया है। वैसे मैंने मैबलिन का फाउंडेशन भी इस्तेमाल किया है, कॉम्पैक्ट पाउडर भी इस्तेमाल किया है, लिपस्टिक भी इस्तेमाल किया है। प्रोडक्ट तो सेम ही है, पैकेजिंग अलग है। ये देखिए, अलग अलग शेड में फाउंडेशन है और ये देखिए अलग अलग कलर है। टोटल 8 लिपस्टिक है और 6 फाउंडेशन है। तो इसका रिव्यू वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, सुबह सुबह मेरे यहाँ कौन आया है। और ये डेली इस तरीके से आती है और हम इसको कुछ ना कुछ खिलाते ही हैं, तो ये भी हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा है और ये अच्छा माना जाता है। हाँ, फ्रीजर में डाल देंगे, 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। गाइज ये देखिए, मैंने बनाया है मैंगो जूस, ले लो पड़ी, नहीं जूस है, सेक नहीं है, ले लीजिए और टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। तुम भी ले लो विकास, ये मेरा है, कैसा है बोल के बताइए कैसा है, कैसा बनाया पड़ी? तुम अपना दिखाओ, ये है विकास का, चलो पी लो, पी के बताओ कि कैसा बना है। पियो पड़ी, क्या हुआ, नहीं पी रही हो, ज़्यादा है, छोड़ देना, फिर बाद में पी लेना। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है सैंडविच, और हस्बैंड को जल्दी निकलना था तो टाइम कम था, तो मैंने फटाफट यही बना दिया है। और इसमें मैंने डाला है प्याज, टमाटर, खीरा, उबला हुआ आलू, मिर्च, दही। सिंपल है बट हेल्दी है। और मैंने एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में बोला था कि मुझे जो गिफ्ट मिला है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन मैं दिखाना भूल गई और उसके बाद मैं गांव चली गई, तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने गिफ्ट नहीं दिखाया। तो देख लीजिए मुझे क्या गिफ्ट मिला है इनके तरफ से। और ये एनिवर्सरी से 5 दिन या 7 दिन पहले आ गया था, मुझे डेट याद नहीं है, इन्होंने एडवांस में ही दे दिया था। और मुझे सच में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एक यूट्यूबर ही समझ सकता है।
और ये मेरे काम का गिफ्ट है। और एक यूट्यूबर के लिए डाटा क्या मायने रखता है वो एक यूट्यूबर ही समझ सकता है, खासकर जिसको दिन में 2-3 वीडियो अपलोड करना पड़े। तो मैं अपने हस्बैंड को फिर से थैंक यू बोलूँगी। और ये देखिए मैंने मैंगो का आइसक्रीम बनाया है, ये देखिए परी को बहुत अच्छा लग रहा है, परी मतलब डेली बनवा रही है मेरे से। और गाइस ये देखिए आज मैंने लंच में क्या बनाया है, ये है तुरई यानी कि नेनुआ और आलू की सब्जी, ड्राई सब्जी है। हुआ क्या कि हस्बैंड तो थे नहीं और मेरे यहाँ सिर्फ एक ही तुरई बचा हुआ था, तो मैंने उसमें 2 आलू मिला दिया और इसका मैंने ड्राई सब्जी बना दिया। ये देखिए रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं किया है लेकिन आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए अगर सब्जी कम हो तो। और इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल, और इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी, और आज मैं लंच में चावल नहीं बनाऊँगी। और ये रहा हमारा आज का लंच, सिंपल रोटी दाल सब्जी और थोड़ा सा मैंने प्याज भी ले लिया है। चावल इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। और गाइस ये देखिए क्या है, ये है अमड़ा, हमारे यहाँ इसको अमड़ा बोलते हैं, पता नहीं और जगह क्या बोलते हैं। तो इसका मैं जा रही हूँ अचार बनाने, तो पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी, फिर धूप में सुखा दूँगी, फिर कट करके अचार बनाऊँगी। तो इसको मैंने धो के सूखने के लिए रख दिया है, जब ये सूख जाएगा फिर इसको कट करके हम इसका अचार बनाएंगे। तो ये देखिए मैं इसको किस तरीके से कट कर रही हूँ, बस इसको 2 भाग में कट कर रही हूँ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है इसको कट करना। और ये देखिए सारे को मैंने कट कर लिया है और इसको एक मैंने बड़े बर्तन में डाल लिया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी नमक, स्वादानुसार नमक डालना है, नमक थोड़ा ज़्यादा ही डलता है अचार में। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, फिर हम इसमें डालेंगे अचार का मसाला, और ये मैंने मार्केट से लिया हुआ है, आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं राई को पीसकर। फिर हम इसमें डालेंगे कलौंजी, मेथी, अजवाइन, और आप इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, लेकिन सौंफ मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैं बाद में डाल दूँगी जब आएगा तो। फिर हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, और सरसों का तेल मैं वैसे गर्म करके ही डालती हूँ लेकिन मैंने इसको कच्चा ही डाल दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसको बनने में भी 15-20 दिन लग जाएंगे। अगर इंस्टेंट बनाना हो तो फिर आप गर्म करके डाल सकते हैं। और इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, और हमने इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला और धनिया पाउडर भी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, और इसमें मुझे तेल कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड करूँगी। और इसको बनाने के बाद मैं इसको जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और एक चीज़ मैंने सीखा है कि अचार को कभी भी प्लास्टिक के जार में नहीं रखना चाहिए, तो मैं इसको प्लास्टिक के जार में नहीं रखूँगी। और शीशा का बड़ा जार तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन जैम का जो बॉटल आता है और कॉफ़ी का जो बॉटल आता है मेरे पास बहुत सारा इकट्ठा हो गया हुआ है, तो एक में तो आएगा नहीं, तो 4-5 में मैं इसको डाल दूँगी। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, अभी से ही मुँह में पानी आ रहा है। और ये देखिए मैंने इसको शीशे के जार में ट्रांसफ़र कर लिया है, टोटल 5 जार में ये आया है, 3 तो ये है, एक और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और एक में अभी रखा जा रहा है। आप लोग बोलेंगे कि मैं एक ही लेके आ गई रहती, उसी में रख देती, लेकिन उसके लिए मार्केट जाना पड़ता और घर में ये था तो कोई बात नहीं है, 5 में मैंने रख दिया है, एक एक करके हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, तो अब हम इसको धूप में डाल देंगे, और आज धूप भी अच्छी निकली है
और ये देखिए 4000, एक और में हम रख रहे हैं, टोटल 1.5 kg था अमरा। तो फाइनली अचार तैयार है, अब हम इसको धूप में रखेंगे, डेली धूप में रखेंगे, 10 से 15 दिन में अचार तैयार हो जाएगा। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं पक्का आपके घर पहुंचा दूंगी। और आज हमारे यहाँ सब्जी बिल्कुल ख़त्म था, तो ये लौटते टाइम में ले लिए हैं। तो देखिए ये क्या क्या लेके आए हैं, धनिया पत्ता तो अभी महंगा होगा, 10 रुपये था, 4-5 इतना सा ना। बैंगन 1 किलो करेला होता है, 1 किलो में पूरा दे देते हैं, जाओ मैं 1 किलो से ज्यादा है, 20 रुपये। करेला कैसे है, 20 रुपये। बैंगन, बैंगन 20 रुपये। टमाटर, टमाटर 30 रुपये। परवल, परवल 30 रुपये। यहाँ 50 रुपये, 60। और सब्जी भिंडी और 2 किलो। लोग को कहीं सब्जी फेंकाता है क्या? नहीं नहीं फेंकाता, पहले लेकिन फेंकाता था, हमारा साफ करता। अब कुछ भी नहीं सरने देते हैं, बहुत एक्टिव हो गए हैं हम, पता है ना। अब तुम में समझदारी डेवलप हो रहा है, पहले तुम जान बुझ के नौटंकी सब, अब तुम परिवार का ख्याल करना शुरू, जो सही है। तो गाइस यहाँ पर हस्बैंड सब्जी लेके आए थे, तो वही निकाल रहे हैं। और अभी ये क्या बोल रहे थे, आप लोगों ने सुना ना कि मैं अभी समझदार हो गई हूँ, पहले नहीं थी। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। समझदार मतलब और चीज़ों में मत समझिएगा, मतलब घर संभालने में बोल रहे थे। खैर ये बात सच भी है कि जो लड़की हायर एजुकेशन लेती है, जॉब में चली जाती है, तो उसको घर गृहस्थी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। स्टार्टिंग में घर चलाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं ये बात मतलब मुझे प्राउड होता है कि मैं ऑलराउंडर हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और जैसे हर किसी में टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट भी आता है, तो वैसे मेरे में भी आ रहा है। वैसे मैं शुरू से ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करती आ रही हूँ। जब मैं जॉब में थी तब भी मैं जॉब के साथ अपने घर को भी अच्छे से संभालती थी। खैर कोई किसी को जज नहीं कर सकता है, आप खुद जानते हैं कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं। अगर कोई किसी को जज करता है तो वो गलत करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ और मैं अपने काम से खुश हूँ। अगर कोई बाहर का व्यक्ति मुझे बिना देखे बिना समझे जज करता है, तो मैं समझती हूँ कि बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है और उसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं जो कर रही हूँ बेहतर कर रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बस सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।